हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ रूलेट गेम खेलूंगा। मेरे पास एक रूलेट है छोटा सा बच्चों को खेलने वाला, तो हम उसको पहले तो मैं उसको 7 फ्री स्पिन करूंगा, फिर उसकी जो गेम हिस्ट्री आएगी कि 7 गेम में क्या रिजल्ट आया उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि भी मैं अगली बैट कौन सी लगाऊंगा। तो फिर देखते हैं, 20 20 बैट में लगाऊंगा, 20 स्पिन करेंगे, देखते हैं कि 20 जो हम उस पर चिप रखेंगे नंबर आने पर तो मेरे कितने नंबर हिट होते हैं, मैं उसमें विन करता हूँ या लॉस करता हूँ, तो ये हम देखेंगे। तो आज एक एक्सपेरिमेंट है ये भी एक तरह का, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इस तरह के 20 स्पिन किए थे तो आने के बाद तो कोई भी आकलन निकालता है। तो 7 हम स्पिन करेंगे, उस 7 स्पिन के जो नतीजे आएंगे कि भी, तो उससे गेम हिस्ट्री बनेगी कि 7 बार रूलेट ने कौन से नंबर दिए। उस नंबर के आधार पर देखेंगे कि अगले 20 बार में जो मैं नंबरों पर चिप रखूंगा उस पर मैं विन करता हूं या मेरे को लॉस होता है। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लगेगा ये वीडियो तो आप कमेंट करना, तो ऐसे और भी वीडियो बनाएंगे। ये ट्यूटोरियल वीडियो बोलते हैं ना, सीखने वाले वीडियो हो सकते हैं रूलेट गेम के बारे में। इसका कोई गैमलिंग वैमलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गैमलिंग का एंड रिजल्ट 0 ही है, पर मैं गेम की बात कर रहा हूँ। और आप लोग भी इसमें काम कर सकते हैं कि जैसे जो नंबर आया उसके बाद आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये नंबर के बाद हम ये नंबर लगाते हैं, तो फिर आप भी देख सकते हो कि वो नंबर आते हैं कि नहीं आते। आपको भी मालूम पड़ेगा आप कितना पानी में हो या मैं कितना पानी में हूँ, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और मालूम पड़ेगी कि नॉर्मल रूलेट में भी क्या वैसे ही पैटर्न बनते हैं, वैसे ही नंबर हिट होते हैं जैसे रूलेट के अंदर होते हैं। ऑनलाइन में या ऑफलाइन में तो हम कहते हैं चीटिंग हो गई है या सेटिंग है या मैग्नेट है, तो वो भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ओके चलो अब शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम स्पिन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, नतीजा क्या आता है। ये हमारी चिप है और इससे पिछली बार मैंने बताया था कि 20 स्पिन मैंने की थी, देखते हैं क्या आता है, पैटर्न बनते नहीं बनते। पर आज हम ये नॉर्मल रूलेट है, और नॉर्मल रूलेट है, ये एक नॉर्मल लोहे की बॉल है और ये एक नॉर्मल रूलेट है, ठीक है। ये इसका छोटा सा व्हील है, ये नॉर्मल रूलेट है, ये बॉल है इसकी, ठीक है। इसमें कोई मैग्नेट कोई मशीन कुछ नहीं है। तो हम आज एक चीज़ देखेंगे कि हम नॉर्मली स्पिन करेंगे और देखेंगे कि भी बैट आने के बाद मैं क्या नंबर लगाता हूँ। तो पहले तो मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे 7-8 गेम हिस्ट्री बहुत होती है, 7-8 मतलब गेम, 7-8 नतीजे बैठ के। तो हम पहले तो 7 स्पिन करेंगे, मान लेते कि हम कसीनो के अंदर और एक बोर्ड पर 7 रिजल्ट है और उसके बाद आपने एंटर किया और अब आप बैट लगाने वाले हो, तो आपने क्या समझा। तो पहले हम 7 फ्री स्पिन करेंगे और उसके नतीजों को यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड पर। मैं बाद में बोर्ड पर अलग से दिखा दूंगा या एडिट करके भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये चिप है, पहले हम 7 फ्री स्पिन करेंगे, ठीक है। कोशिश मेरी रहेगी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार ऐसे घुमाने की एक बार ऐसे घुमाने की, और जब भी व्हील जिस डायरेक्शन में घूमेगा बॉल उसके अपोजिट घुमाई जाएगी, क्योंकि ये हमेशा होता है, ठीक है। जैसे मान लो बॉल व्हील ऐसे घूम रहा है तो बॉल ऐसे घूमेगी, और अगर व्हील ऐसे घूम रहा है तो बॉल ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले 7 फ्री स्पिन करेंगे। थर्टी फोर यहां हम लिखते हैं, 34, 12, 12। थोड़ा सा ये रूलेट को हम ऐसे कर लेंगे, मतलब एक तरफ झुक रहा था ये, ठीक है। ट्वेंटी, एटीन, सेवेंटीन। कितनी 5 स्पिन हो गई है। जीरो, थर्टी
21। तो दोस्तों ये 7 स्पिन हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 स्पिन कर ली है। अब मान लेते हैं कि भी मैंने या आपने, हमने गेम में एंट्री की, रूलेट गेम खेल लिए हैं। अब हमारे पास ये इसकी पिछली 7 गेम की हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हमें बेट लगानी है तो हम क्या लगाएंगे? अब मेरे हिसाब से मैंने ये 7 हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैंने देखा कि भी 1 2 3 3 नंबर जो हैं वो ऑफलिंस के हैं, 7 में से 3 नंबर ऑफलिंस के हैं, 34 34 20 और 17, ठीक है। जिसमें से 2 नंबर जीरो स्पेल के हैं, 0 और 12, और 2 नंबर बिग सीरीज के हैं, मतलब 18 और 21, मतलब 5-8 सीरीज का एक भी नंबर नहीं है। अब मुझे बेट लगानी है तो मैं क्या लगाऊंगा? तो मैं सबसे पहले तो मैं ऑफलिंस को कवर करने की कोशिश करूंगा, ये 0 है, लास्ट नंबर 0 है, मैं लास्ट नंबर 0 कवर करता हूँ, 21 लगाऊंगा, ठीक है। और 0 को मैं 2 के साथ स्प्लिट करूंगा, एक 22 25 लगाया, एक ऑफलिंस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने 12 लगाया, 12 को 9 के साथ लगा रहा हूँ, 6 को 3 के साथ। ये मैंने इसलिए किया, मतलब मैंने ये बेट लगाई है और ये मेरी पहली बेट है, तो मैं बहुत छोटी सी बेट लगा रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भी मैंने 0 को 2 के साथ स्प्लिट किया, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 21 का नेबर 2 होता है, ठीक है। इधर से मैंने 3 और 6 को किया, पिछला नंबर जो है 0 है, 0 का नेबर 3 होता है, तो 3 को मैंने 6 के साथ स्प्लिट किया। 9 को मैंने ऑफलिंस के चक्कर में लिया, 6 को भी मैंने ऑफलिंस के चक्कर में लिया, 9 को 12 जीरो स्पेल के चक्कर में लिया, ये मैंने ऑफलिंस तो मैंने लगाई है। 17 हमारा जैकपॉट नंबर बनेगा स्ट्रेट अप है, या बाकी सब हमारे स्प्लिट है, सिर्फ 21 पर हमारा जो है वो स्प्लिट। पर मैं इसको भी 18 के साथ स्प्लिट करूंगा और 1 को 4 के साथ स्प्लिट करूंगा। 4 इसलिए क्योंकि 21 का एक नेबर तो 2 है, दूसरी तरफ का नेबर 4 है। इस तरीके से मैंने बेट लगाई है। टोटल मेरी जो चिप लगी हुई है वो आप देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चिप मैंने लगाई है। अब देखते हैं कि हमारी बेट आती है कि नहीं आती है, ठीक है। कायदे में जहां से जो नंबर आया वहीं से बॉल स्पिन होनी चाहिए। स्लो हो गया ज्यादा, क्या आया था? 21 कहाँ गया? 21 ये रहा। ट्वेंटी आया दोस्तों, तो हमारी बेट आ गई है। तो हम यहां पर लिखेंगे 20 आया है, विन कर देते हैं, या विन डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू का मतलब विन। या एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं शॉर्ट में कि ये बेट आई है हमारी, क्या मिला है? 1H × 17, क्योंकि स्प्लिट आया है, ये हमारा आया है, तो हमारी पहली बेट आ गई है। क्योंकि मैंने देखा कि 7 गेम में 3 नंबर ऑफलिंस के हैं, 34 20 17, तो मैंने ऑफलिंस को कवर किया है, ऑफलिंस का एक भी नंबर नहीं छोड़ा है, इवन ऑफलिंस का बॉर्डर जो है 22 25 वो तक लिया है, तो 20 आया है हमारा। तो हमने यहाँ पर 17, मतलब 1 के 17 मिले, मतलब 18 चिप आएंगी। तो हमारी ये 9 है, 9 चिप लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चिप लगी है हमें, 18 चिप मिलेंगी, 9 तो हमारी है ही है। मान लो ये सब चली जाएंगी, ये सब चली गई, ये भी चली गई, इसकी हमें 18 चिप मिलेंगी, 9 चिप हमारी लगी हुई थी, 17 चिप मिलेंगे और एक ही 18, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बेट पे, क्या आया था? 21 आया था, 20 आया था। अब हम फिर से बॉल स्पिन करेंगे, ओहो देखो अगेन 6 आया है, जबकि बैट ही नहीं लगाई मैंने, मैं भूल गया, पर अगेन 6 आया है। ये बैट हम लगानी भूल गए बातों बातों में, पर आप देखो कि अब टोटल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 2 3 4 5, 9 में से 5 नंबर ऑफलिंस के हैं, जबकि ऑफलिंस के सिर्फ 8 नंबर होते हैं पूरे व्हील में, ठीक है। अब हम बेट लगाएंगे अगेन, ये मैंने 4 चिप लगाई है, एक मैं 0 को 1 के साथ, और पिछला नंबर क्या था? 20 था ना, हाँ, तो 0 को मैं 1 के साथ स्प्लिट कर रहा हूँ, 17 20 कर रहा हूँ, 31 34 कर रहा हूँ, 1 ये मैंने रैंडमली कॉर्नर लगा दिया, ठीक है, ये मैंने रैंडम लगा लिया। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस ऑफलिंस पर है, और मेरे को जो उम्मीद है,
2 3 4, ये 4 स्प्लिट आने की है। नॉर्मली मैं ऑफलाइन कसीनो के अंदर मैं सिर्फ ये 4 चिप लगाता, 6 नंबर आने के बाद मैं 4 चिप लगाता, पर क्योंकि ऑफलाइंस का पूरा स्कोप है तो मैंने ऑफलाइंस लगाया। ऑफलाइंस का बॉर्डर भी मुझे कवर करना चाहिए, पर फिर धीरे धीरे बेट बड़ी हो जाएगी, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑफलाइंस हमारे ऑलमोस्ट कवर है, 14 को हमने कॉर्नर में कवर किया हुआ है। ये बेट हमने मिस कर दी है, नहीं तो ये बेट आती, ये बेट अगर मैं बातों बातों मेरे ध्यान से उतर गया, नहीं तो ये बेट मैं लगाता तो ऑफलाइंस लगाता जैसे अभी लगाया, तो इस पे भी बेट आती। आप ये मत देखो जैकपॉट आना चाहिए, जब आना चाहिए आएगा तो आएगा। अब हम इसमें से एक जैकपॉट नंबर बनाते हैं, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। तो हम जैकपॉट नंबर बनाएंगे 26 को और एक 56 को। जैकपॉट नंबर कैसे बनेगा, वो 5 को स्ट्रेट अप रखने पर बन सकता है। तो एक मैंने 5 को और एक 26 को मैं बनाना चाहता हूँ, तो एक मैं ये मैंने रख दिया। 26 पर हमारे 2 स्प्लिट और एक कॉर्नर लगा हुआ है, तो ये हमारा हाईएस्ट पे नंबर है, और एक 5 हमारा स्ट्रेट अप है, ये हमारा हाईएस्ट पे नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 9 चिप का प्रॉफिट है, ये तो हमने बेट लगाई भी नहीं तो ये बेट पे भी हमारे को प्रॉफिट आता। पंद्रह आया है दोस्तों, ये बेट हमारी चली गई। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11, 11 चिप का हमें लॉस हुआ है, 15 आया है और ये बेट हमारी गई। ठीक है, यहाँ पर 15 चिप लिख देते हैं, यहाँ पर हमें 17 का 18 का प्रॉफिट हुआ था, 15 का हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, इस पर 2 गिर गए, कोई बात नहीं। मैंने 5 पर 2 चिप रखी है, 19 पर स्प्लिट है और 2 स्प्लिट है, और यहाँ पर समझ लो ये स्ट्रेट अप है, ऐसे रख लो, और इसको भी मैं ऐसे रखूँगा, मतलब 26 पर हमारी 1.5 चिप है। अब देखते हैं क्या आता है। दो आया दोस्तों, ये भी बैठ गई। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, अगेन 11 चिप का हमें लॉस है, 11 चिप हमारे को लॉस है। आप लोग भी जो आपको लगता है ना कि मैंने किस स्पिन के बाद क्या नंबर आना चाहिए, आप वो कमेंट करके ना नीचे टाइप कर दो, तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि भी क्या आपको कितने गेम आती है, क्या आता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 18 चिप हमारे को प्रॉफिट हुआ था, 17 का प्रॉफिट हुआ था, एक हमारी वापस आई थी, या 15 और 11 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, टोटल हमने 4 स्पिन किए हैं प्ले करने का, एक हमसे छूट गई थी जो बेट आया नहीं थी हमारी। अब हम बेट लगाते हैं 21 25 0 12 15, 5 ये मैंने बेट लगाई है, जिसमें 5 पर हमारी 2 चिप है और बाकी सब पर स्ट्रेट अप है। इस पर स्प्लिट है, 35 पर स्ट्रेट अप है। ऑफलिंस मुझे लेना चाहिए, पर ऑफलिंस ऑफलिंस 20 पर मैंने स्प्लिट कर दिया है,
चलो बहुत है, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम 17 जीते थे और 26 लॉस में है, तो 17 हमने प्लस करी थी चिप और 15 और 11 हमारी लॉस हो गई, तो मतलब हम अभी 9 चिप लॉस में है, तो हम ज़्यादा बड़ी बेट नहीं खेलेंगे। तेईस आया दोस्तों, ये बेट भी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चिप का लॉस हुआ हमें। क्या आया 23, ये भी बैठ गई हमारी, 23 चिप का लॉस हुआ, ये हमने खेली नहीं थी। ठीक है, 5 को हमने जैकपॉट नंबर बनाया है और इसको हम 2 के साथ स्प्लिट करेंगे, वो पिछला नंबर भी 2 है। ठीक है, अब देखते हैं। क्या आया है? 3 आया है दोस्तों, 3 आया है, तो 3 पर हमें सत्रह चिप मिलेंगी। जीरो जीरो पर 2 चिप है, 3 है, 26 पर 2 चिप है, 5 14 23 32, बस 35 यही लगाई है मैंने। उनतीस आया है, 29 पर नहीं लगाया हमने, हमारी ये बैठ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चिप का लॉस हुआ है 29 आने पर। ठीक है, सिर्फ 8 नंबर मैंने लगाए हैं और 8ों पर स्ट्रेट अप है। ओहो, 5 आया है और मैं कब से 5 को जैकपॉट बना करके बैठा था, इसी बार छोड़ा है मैंने और 5 आ गया। कोई बात नहीं, 8 चिप का लॉस, बेट को मैं सेम रहूंगा रखूंगा, सिर्फ 4 चिप और ऐड करूंगा, 5 पर, 14 पर, 23 पर और 32 पर। मतलब जो मैंने 8 थी वो 8 को वैसे ही रखा है, सिर्फ 5 14 23 32 पर 4 चिप और बढ़ाई, तो टोटल 12 चिप हो गई, 12 की 12 हमारी स्ट्रेट अप है। ऐसा होता है ना, आप लोग कहते देखो चीटिंग होगी चीटिंग होगी चीटिंग होगी। 35 अगेन, 12 चिप का लॉस। ये हम बाद में ऐसे कर देंगे इसमें कि ये जीते हैं, ये इसको विन कर देंगे ना, विन विन। तो अभी तक हमारी 2 ही बेट आई हैं, आज हम लॉस में जाएंगे। कितनी स्पिन हो गई, कहाँ से शुरू करी थी हमने, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्पिन हो गई, हम 11 स्पिन और करेंगे और देखते हैं कि आज हम लॉस में जाएंगे कि प्रॉफिट में जाएंगे। ये जो ब्लू चिप रखी है हमारा बैकअप है, ये जैसे मैं बोलता हूँ ना पार्ट में खेलना है, तो ये हमारा पार्ट है, तो ये मैंने 2 पार्ट में अपने अमाउंट को डिवाइड किया है,
कि इसलिए मेरे पास और भी कलर है, पर मैंने मान लो हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट अगर चले गया फिर हम इस पर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। 35 आया था, बेट तो लगा लो भाई। नहीं इसको तो तभी यूज करते ना, मैं भी चिप निकालता रहता। क्या नंबर था लास्ट? 5। मैंने जीरो स्पेल लगाया है और मैंने बीच के कॉलम के 4 रेड नंबर लगाए हैं। छब्बीस आया दोस्तों, जीरो स्पेल लगाया था और बीच के मैंने 4 लगाए थे, तो 26 आया, जीरो स्पेल ही आया है। इस पर ओहो देखो बैट जा जा करके इतना वो हो गया कि इस पर हमें 36 चिप मिलेंगी। ठीक है, वो हम बाद में यहां से टोटल कर लेंगे कि कितना हमने गवाया कितना हमने लिया। ठीक है, अगेन मैं बैट रिपीट करूंगा, जीरो स्पेल लगाऊंगा, 26, 32, 35, 34 स्ट्रेट अप रखूंगा, 29, 26 स्प्लिट करूंगा, 5 रख दिया तो चलो रख दिया, वैसे 5 रखना नहीं था अब। और ये बस टोटल मैंने कितनी चिप लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 5, 3 2 10 चिप मैंने लगाई हैं, जिसपे 26 पर मेरी 1.5 चिप लगी है, जीरो स्पेल मैंने कवर किया है और बाकी मैंने एक 34 पे स्टेट अप रखा है, 5 पर स्टेट अप रखा है। अगेन 26 आया है दोस्तों, 26 रिपीट मारा है और 26 पर मैंने 1.5 चिप लगाई थी, 26, तो 26 पर हमें मिलेंगे 1 के 35 प्लस 1 के 17, तो हमें ये टोटल 42 चिप, कितनी 52 चिप मिली, 52 चिप। ठीक है, ये हम बाद में टोटल कर लेंगे, मैं बैट को छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, इसी बैट को रखूंगा। ठीक है, और इसमें इस रिजल्ट के हिसाब से मैं 28 और 19 पर बढ़ाऊंगा अमाउंट, तो 19 20 को मैंने स्प्लिट कर दिया है, तो 19 पर हमारी दो एक चिप हो गई, मतलब दो स्प्लिट हो गए, 28 स्टेट अप हो गया, 5 और 34, इसी बेट को मैं रखूंगा। क्या आया है? 33, फिर बेट आई है हमारी 33 पर, इसमें हमें स्प्लिट का मिलेगा। ठीक है, बेट को मैं छेड़ूंगा नहीं, इस बेट पे मैं एक चिप और बढ़ाऊंगा, 0 और 1 को स्प्लिट करूंगा और एक चिप और बढ़ाऊंगा, 13 और 16। अब हमारा 0 पर 1 2 स्प्लिट हो गए, 16 पर 2 स्प्लिट हो गए, 26 पर 1.5 चिप है, इस तरीके से हम चल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ओहो बॉल ही गिरा दी मैंने, बॉल गिरा दी, ऐसा कसीनो में भी होता है कई बार, बॉल उड़ के हमारे को लगती है। अब बॉल ढूंढने में भी टाइम जाएगा, पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉल है, कहाँ गई, इसमें तो रखी थी बॉक्स में। बॉल खो गई दोस्तों, गेम रुक गया कसीनो का। बॉल ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉल थी, इसमें 2 बॉल आई थी साथ। हाँ है, ये रही, वो बॉल मैं बाद में ढूंढ के रख लूंगा। तो गेम मजेदार चल रहा है पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जैकपॉट नंबर नहीं हमारे हिट हो रहे हैं।
ठीक है, क्या नंबर था लास्ट? 33। तो 33 कहाँ है? ये रहा, तो ये 33 पर है, ठीक है, तो ये 1 पे रखते, 33 पर है, हम 33 से स्पिन करेंगे। दोस्तों अगेन 26, 1 का 17 प्लस 1 का 35, अगेन आप देखो, मैंने पिछले 3 बार से मैंने गेम चेंज नहीं करी, 4 बार से। 35 आया था यहां तक हमारी बेट गई थी, और 35 आने के बाद में, 35 आने के बाद हमने 26 लगाया, फिर 26 पर डेढ़ चिप लगाई, फिर 33 पर हमारी हाफ आई, लगातार हमारी 1, 2, 3, 4 बेट आई हैं, जिसमें से 2 पर हमें डेढ़ डेढ़ चिप का प्रॉफिट हुआ है, मतलब एक स्प्लिट और एक स्ट्रेट अप 26 पर, और 2 पर हमें नहीं, 26 3 बार आया है दोस्तों, तो एक बार हमें स्ट्रेट अप मिला, एक बार डेढ़ चिप और डेढ़ चिप, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। हम टोटल कितनी बेट खेल चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 बेट और लगानी है। अब हमें बहुत डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, पर हमें बेट हटाना नहीं चाहिए था मुझे। तो हमारी एक बेट यहाँ थी, एक 34 पर थी और एक ये थी। बेट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैकपॉट नंबर में मैं जैसे 5 को और मैं 34 को मैं एक एक चिप बढ़ा रहा हूँ। अगर 5 और 34 आ गया तो हमें 2 चिप का पैसा मिलेगा, अगर 5 और 34 आ गया तो हम बेट गेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट होगा। जिद में नहीं 20 चिप 20 बेट खेलनी खेलनी, हम बस ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। हम ऑलरेडी अभी भी प्रॉफिट में है, इकतीस आया दोस्तों, ये बेट गई हमारी, पर मैं बेट को छेड़ूंगा नहीं। उनतीस आया दोस्तों, यहां लिखना भूल गया था मैं, 31, ये बेट गई हमारी। कितनी बेट का लॉस हुआ था? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ 2 थी ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 चिप का में लॉस हुआ था। फिर उसके बाद आया 29, ये बैट हमने जीती, 1 का हमें 17 मिला, ठीक है। बैट मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैंने बैट सही सेट की है। अगेन दोस्तों, अगेन माई फेवरेट नंबर 26, 1 का 35। देखो हमने जब शुरू में हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने क्या पाया था, 7 गेम के अंदर सबसे ज्यादा नंबर जो है वो ऑफलिंस के हैं, तो ऑफलिंस ने हमें जितवाया यहां पर, फिर यहां पर हम बेट लगाना भूल गए, नहीं तो यहां पर भी हम जीतते। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर जो थे वो 12 और 0, 0 स्पेल के, तो सारे 0 स्पेल के नंबर आ रहे हैं। 26 देखो 4 बार आ चुका है, 1, 2, 3, 4 बार 26 आ चुका है, और हमें अच्छा प्रॉफिट दिया 26 ने। मैं गेम अगेन चेंज नहीं करूंगा, यही रहेगा, बल्कि मैं 26 पर एक चिप और बढ़ा देता हूँ, तो 26 को मैं 23 के साथ स्प्लिट करूंगा। तो हमारे 26 पर 2.5 चिप लगी, 2 चिप लगी है 26 पर, 2 चिप लगी है 34 पर, 2 चिप लगी है 5 पर, ये 3 हमारे जैकपॉट नंबर है। आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, मैं बहुत छोटा और डिफेंसिव प्लेयर हूँ, मैं बहुत सेफ खेलता हूँ। तो आप देखो कि मैंने एक, ये 5 नंबर आ जाता है, 5 और आपका 26 और 34, इन पर हमारे 2-2 चिप लगी हुई है, अगर ये आ जाता तो गेम बंद, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। ट्वेंटी 3 दोस्तों, बहुत सही किया, मैं एक्चुअली मैं स्टेट अप रखने वाला था, पर मैंने स्टेट अप नहीं रखा, और मैंने उसको स्प्लिट कर दिया था। 23 आया है,
इसमें विन लूस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैंने कई जगह पर जो लॉस के अमाउंट है, जैसे विन पे मैंने लिख दिया कि हमने 17 जीता, पर कितनी बेट चिप गई है वो नहीं लिखा मैंने। मतलब अब जैसे मैंने मान लो इसमें 17 जीती, तो ये 17 मिली थोड़ी मुझे, कायदे में ये लेस भी तो होंगी, तो ये कितनी चिप है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ। मैं यहाँ पे 17 लिखूंगा, टोटल करूंगा, तो वो लगेगा कि अरे यार मैं 17 जैसे जीता हूँ, पर ये 17 ही चिप है, यहाँ पर मुझे 17 ही मिलेंगी, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये मेन बात है कि हम जब बस जस्ट ये देख रहे हैं कि ओवरऑल हम क्या करते, तो हमें ये 26 ने ऑलरेडी जितवा दिया है। बेट मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं एक चीज चेंज करना चाहता हूं अभी, जैसे इस चिप को मैं 13-14 के साथ स्प्लिट कर रहा हूं, तो अब मेरे बीच के 4 रेड नंबर कवर हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं। दो आया दोस्तों, सारी बेट गई, तो कितनी थी, 2, 2, 4, 2, 6। अब इसका टोटल तुम वैसे भी नहीं कर सकते, तो अब मैं बेट दोबारा से लगाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 चिप है, दो आया, हम लॉस हुए 17 चिप का। कितनी बेट हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सिर्फ दो स्पिन है दोस्तों, दो स्पिन है, और दो स्पिन में देखेंगे कि हमें क्या करते हैं। तो दो स्पिन में मैं एक 5 पर रख रहा हूँ, 23, 14, 26, 32, 34, 34 पर दो चिप है, 26 पर दो चिप है, 5 पर 3 चिप है, 0-3 को स्प्लिट है, 0-2 को स्प्लिट है। ठीक है, सिर्फ दो स्पिन हमने खेलनी है, तो देखते हैं क्या होता है। 12-15 और रख देते ना, फिर हमारा जीरो स्पिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो स्पिन हमें करनी है, और पच्चीस आया दो का नेबर, दो पर भी थी, जीरो स्पेल पर बॉल काफी देर से नाप रही थी, नाच रही थी, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चिप का लॉस हुआ है 25 आने पर। लास्ट स्पिन है दोस्तों, बैट छेड़ूंगा नहीं मैं, मुझे जीरो स्पेल पर ही भरोसा है, जीरो स्पेल आ सकता है। लास्ट स्पिन है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आखिरी स्पिन पे हमारा जैकपॉट नंबर हिट हो गया। मैंने जैसे आपको बताया था कि 26, 34 और 5 पर मैंने दो दो चिप रखी हैं, इसको मैंने जैकपॉट नंबर बनाया अपने हिसाब से। तो 5 पर 3 चिप थी, 5 पर 3 चिप थी, 26 पर 2 और 34 पर 2, तो फाइनली आखिरी बेट पर हमारा 34 हिट हो गया है, और 34 पर हमें मिलेंगे 1 के 70। दो चिप थी ना, 2 की 70 चिप हमें मिलेंगी, और 2 हमारी चिप वापस आएंगी, 72 चिप आएंगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल क्या रहा, हालांकि बिल्कुल बारीक हिसाब नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब मैंने विनिंग अमाउंट की चिप क्वांटिटी लिखी, तो मैंने ये नहीं लिखा कि कितनी उसमें से बैठ गई है। ठीक है, तो हम रूलेट को साइड में रखते हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रहा होगा, तो आप फिर भी समझने की कोशिश करो अगर आपको दिख रहा है तो। हमने पहले 7 फ्री स्पिन करी,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें हमने देखा कि भी ऑफलाइंस के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, एक दो तीन ऑफलाइंस के थे। हमने अगली ही बैठे जब हमने लगा खेलना शुरू किया यहाँ पर, तो हमने 20 लगाया, आया हमारा स्प्लिट था, छः हमसे मिस हो गया था, नहीं तो छः पर हमारी बैट आती। फिर हमारी एक दो तीन बैट लगातार गई, फिर एक बैट आई हमारी 17 की, फिर हमारी एक दो तीन बैट गई। इस तीन बैट में अगर हम देखें तो 10, 8 और 12, मतलब 20, 30 चिप हमारी यहाँ पर गई, 30 चिप यहाँ पर, 30 चिप गई, फिर 26 आया, 26 आने पर हमें 35 चिप मिलती है। तो ये तीन बैट का प्रॉफिट जो लूजिंग अमाउंट था उससे ज़्यादा 5 चिप हमें यहाँ पर मिल गई 26 पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लॉस उठाया, 17 में प्रॉफिट हुआ, फिर हमने यहाँ पर ये दो तीन चिप पे हमने लॉस उठाया, फिर यहाँ पर बैट आई। अब यहाँ पर देखो एक दो तीन चार बैट हमारी लगातार आई, जिसमें हमें एक 35 चिप मिली, फिर 35 और 17 मतलब 1.5 चिप का प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पर हमें स्प्लिट मिला 33 पर, फिर हमें 1.5 चिप का प्रॉफिट हुआ 26 पर, फिर हमारी 31 पर 16 चिप गई, फिर 29 पर हमारे को 17 चिप आती है, और फिर 26 पर 35 चिप आती है, फिर 23 पर 17 चिप आती है, फिर 2 पर हमारी बैट जाती है, 12 पर हमारी बैट जाती है, और लास्ट बैट जो हमारी 20वीं बैट थी, इस पे हमारे को 34 पर जैकपॉट नंबर मिलता है 70 चिप। अगर आप इसको ओवरऑल मोटा मोटा जैसे मर्जी टोटल कर लेना, इसमें हम एक प्रॉफिट में हैं। मैं इस तरीके से प्ले करता हूँ, हालांकि ये भी प्रॉपर सही तरीका नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने अमाउंट को 4 हिस्सों में बांटता हूँ। पहले एक हिस्से से ट्राई करता हूँ, अगर वो हिस्सा पूरा का पूरा चले गया तो फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं दूसरे हिस्से से खेलता हूँ। ये भी चले गया तो एक लंबा गैप लेता हूँ, और फिर इस दो हिस्से से मैं प्ले करता हूँ सेम ब्रेक ले ले करके। और ये जो टोटल अमाउंट मैं लेके आता हूँ उसमें मैं 20 बैट लगाता हूँ, मतलब 5 बैट 5 बैट 5 बैट 5 बैट। मान लो मैं अगर 1,000 रुपये लेकर के 10,000 रुपये लेकर के आया हूँ, तो मैं 500 रुपये की एक बैट खेलूंगा, तो ये 2,500 हो गए, ये 2,500 हो गए, ये 2,500 हो गए, ये 2,500 हो गए, इस तरीके से, ठीक है। ये कसिनोज के अंदर की बात बता रहा हूँ, ये तो हम नॉर्मली एक बच्चों का खेलने का रूलेट है, उस रूलेट के ऊपर हम ये गेम खेल के दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बच्चों के खेलने के रूलेट में कि रूलेट गेम कैसे प्ले करी जाती है। बाकी कसिनो में जिसको भी जाना है वो खेले, नहीं जाना है ना जाए, जुए का एंड रिजल्ट 0 ही है, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं गेम के तरीके से आपको बता रहा था कि मैं ये गेम कैसे खेलता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान में कसिनोज के अंदर गेम लीगल है, इसलिए मैं वहाँ पर चले जाता हूँ कभी कभी खेलने के लिए, या वर्ल्ड में किसी भी कसिनो में, अगर दुनिया के किसी और दूसरे देश में हूँ और वहाँ पर कसिनो लीगल है तो मैं वहाँ पर ये जरूर प्ले करता हूँ जा करके। तो मैं इस तरीके से खेलता हूँ, मैं बहुत छोटा डिफेंसिव प्लेयर हूँ। अब अगर आप इसी गेम का अंदाजा लगा लो, तो आप एक अंदाजा लगा लो कि इस एक चिप को अगर आप 100 रुपए की चिप मानते हो, तो आप लोग अपने आप हिसाब लगा के मुझे बता देना कि इस प्रॉपर 20 बैट के अंदर मैं कितना प्रॉफिट में रहा हूंगा, आप लोग अंदाजा लगा के बता दो। और आप लोग चाहो तो हर बैट के नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि इस नंबर के बाद आप कौन से नंबर लगाते, और आप ये देखोगे वो नंबर हिट होते कि नहीं होते। भले ही वो नंबर पे कम प्रॉफिट मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके बैट बचना बहुत जरूरी है। हर बैट जीतने के लिए नहीं होती, हर बैट पे जीता नहीं जाता है। तो चलो दोस्तों, कैसा आपको ये वीडियो लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस तरह के और हम गेम प्ले करके बताएंगे, खेलेंगे, अगर आप लोगों को इसमें मजा आया होगा तो। अगर नहीं मजा आया तो बकवास कह देना, मैं नहीं आगे से ऐसा वीडियो बनाऊंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।